अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जो है मैंने अपने कपड़े तो पहन लिए हैं, नमाज भी पढ़ ली है ईद की। तो अभी हम जाएंगे किचन में, और किचन में आप लोगों को पता है सबसे पहले जो है खाना पीना पकाना ये सब होगा। तो उसके बाद जो है हम लोग रेडी होंगे, और फिर प्रॉपर आपको जो है अपनी लुक दिखाऊंगी, अपना ड्रेस दिखाऊंगी। तो चलते हैं किचन में, सब लोगों को बहुत भूख लगी हुई है, सब लोगों ने शोर मचा दिया, जल्दी से किचन में जाएं, सालन बनाएं, रोटी बनाएं और फिर खाना खाते हैं। ये देखिए जी, कुर्बानी हम लोगों की जो है हो चुकी है, यहाँ पे इससे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो जिनको देने हैं बाकी तीन चार घर, ये उनके हिस्से पड़े हुए हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं जी अपने सालन की तैयारी। पहले मीठा खाया हम लोगों ने, और अभी जो है हम लोग सालन बनाएंगे। सो लेट्स सी, ये देखिए जी, आज है ईद का दिन, और ईद के दिन आप लोगों को पता है कि हर लड़की किचन में ही होती है, क्योंकि पूरे साल में चाहे जितने भी इवेंट्स आ जाएं, लेकिन लड़कियों को किचन से छुट्टी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। और ये देखें इस वक्त बज रहे हैं 2, और हम लोग जो हैं किचन में बिजी हैं। सालन यहाँ पे तैयार हो गया है, और ये देखिए रोटियां बना रही हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि बाहर से मंगवानी थी, लेकिन जो होटल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जो हैं गर्मी में पसीनों में जो है हम लोग ये देखिए खाने बना रहे हैं। और सुबह बनाया था, कुछ मीठा बनाया था, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने किचन में काम स्टार्ट कर दिया। कुर्बानी के बाद वैसे भी काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, गोश्त को धोना, तकसीम करना, फिर उस जगह को धोना जहाँ पर वो बकरे को ज़िबा किया था, तो ये वो सारे काम। तो हम लोग जो हैं अगर हम लोगों को टाइम मिला तो हम लोग शाम में तैयार होंगे, तो फिर वो भी मैं आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ये बताएं कि लड़कियों को पूरे साल में छुट्टी क्यों नहीं मिलती किचन से, कभी उनकी जाने छुट्टी क्यों मिलनी चाहिए वैसे? क्योंकि हम लोग जो हैं ईद की प्रिपरेशन में हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग ने सैलून जाना है, पार्लर जाना है, फेशियल करवाना है, मैनीपेडी करवाना है, मेहंदी लगवानी है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? घुसना तो किचन में ही है। ये देखिए तो हमारा भी यही हाल है, सुबह से जो है हम लोग किचन में बिजी हैं। उसके बाद जो है जी किचन में रोटियां तक बनाना, हमने कहा था कि रोटी बाहर से ले आए, लेकिन बाहर वाले होटल भी बंद हैं, फंस गए हम लोग, हम लड़कियां फंस गई हैं। क्यों फंसती हैं यार? तो खैर कोई बात नहीं, तो आज का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है ईद का पहला दिन, तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 2। तो सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स भी किया करें प्यारे प्यारे से कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। तो हाथ जल गया मेरा, सब लोग जो हैं वो सो गए हैं, ये देखिए सारे लाइटें वगैरह ऑफ हैं, सब लोग सो गए हैं, अम्मी नमाज पढ़ रही हैं यहाँ पे, और बुरहान को देखते हैं। और हाँ जो है वो भी सो गया है, तो फिर एक लास्ट रह गई हूँ मैं, तो मैं भी जो है खाने से फ्री होकर मैं भी सो जाती हूँ। ईद वाले दिन सोना है, नींदें पूरी करनी है सबने, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बाहर धूप है। अगर कोई घूमने फिरने जाएंगे तो वो शाम में जाएंगे इंशाल्लाह।